गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल गाइज, यहाँ देखिए मैंने माहत का लंच रेडी कर दिया है। हैंकी, बॉटल, एप्पल सब उसको यहाँ पर रेडी करके रख दिया है। अब चलिए चलते हैं अंदर और माहत को उठाते हैं। और यहाँ देखिए आप, माहत साहब सो रहे हैं। और गाइज आपको आज मैं बता दूँ, आज माहत का स्कूल में है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और माहत को बनना है टीचर। तो बस गाइज पहले मैं जल्दी से माहत को उठा देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि माहत रेडी होने के बाद लग कैसा है टीचर बन के। तो गाइज स्टे ट्यून, और थोड़ी देर बाद आप कैच करती हूँ जब माहत को मैं रेडी कर देती हूँ। नीचे जो था महात की वैन खड़ी हुई है और फाई गए हैं नीचे महात को छोड़ने के लिए, और महात बना है टीचर। और यहाँ देखिए थोड़ा मैं महात की प्रैक्टिस कराई थी, इसलिए भैया थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो ये गए चला गया महात अंदर, और ये आ गए फाई। गाइज यहाँ देखिए भाई के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, और हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। इसी के साथ आप लोग इससे मिलते हैं बाद में, पहले कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट। बाय बाय। तो यहाँ देखिए आप, भाई ने निकाल ली अपनी बाइक और निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लव। तो बस गाइज मैं जा रही थी शॉवर लेने के लिए, और बस मैं यहाँ पर जो है पहले कपड़ों को सोचा आयरन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं आयरन कर रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी शॉवर लेने के लिए। हाँ, पैंट पे तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी प्रेस। शाम का टाइम हो रहा है और महा देखिए अभी तक सो रहा है, थक गया है स्कूल से आने के बाद ही। और मैं चली चलती हूँ किचन में, और जल्दी से कुछ खाने का बना लेते हैं। और बस गाइस जो मैं बना रही हूँ उसके लिए जो है मैंने अनियंस कट करनी है, ये मेरे टमाटोज़ हैं, साथ में थोड़ा सा मेरे पास मटन था तो ये वो है। तो मुझे आज स्टू बनाना है, तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चलिए आपके साथ लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अपना चिकन मटन स्टू बनाती कैसे हूँ। तो बस गाइस इधर मैंने कुकर में जो है वो ऑयल रख दिया, और काफ़ी अच्छे से हीट हो चुका है मेरा ऑयल। और सबसे पहले मैं इसमें जो डालूँगी वो है हमारी अनियंस। तो बस गाइज यहाँ मैंने अनियंस जो हैं वो डाल दी हैं। और गाइज इसमें बता देती हूँ, अनियंस जो होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, इन सेंस अभी मेरे पास जबकि मटन थोड़ा सा ही है, लेकिन मैंने अभी जो है ये मेरी 5-6 अनियन हैं ये आराम से, ठीक है, छोटी थी लेकिन इसलिए मैंने जो है वो 5-6 काटी हैं इसमें। और अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप बड़ी बड़ी कम से कम 3 से 4 जो हैं वो ज़रूर लें। तो गाइस हमारी अनियन जो है उसका कलर जो है चेंज हो गया है, पहले से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हमारा गरम मसाला, और इसमें आप जो है इस टाइम पे जो है तेज़पात भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, और क्योंकि फाई को भी इतना वो अच्छा नहीं लगता है ज़रा मुँह में आता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने गरम मसाला जो है, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब मैंने डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से जो है 2-3 चम्मच चला लेते हैं हम इसमें। और साथ ही साथ में इसमें जो मैं डाल रही हूँ वो है हमारी सूखी लाल मिर्चें। अगर आपके पास आपकी अगर हल्की हो तो आप गाइज कम से कम 3-4 डालें आप, लेकिन मेरी ये काफ़ी तेज़ है इसलिए मैंने बस 2 ही डाली हैं ये। बस इसको हम ऐसे हल्के हल्के चलाते रहेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो जाए। तो गाइज वैसे तो मैं इसमें जो डालती हूँ ना वो अदरक लहसुन जो है उसकी छोटी छोटी सी जो पीसेस बना के मैं वो डालती हूँ, लेकिन राइट नाउ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको छोटे छोटे पीसेस करूँ और फिर मैं डालूँ, और मुझे ज़रा बाहर जाने का भी मेरा प्लान हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जल्दी से बना देते हैं खाना। तो बस इसीलिए मैं आपको मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, इसलिए टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन हाँ ये है अगर आपके पास ये हल्का सा आपके पास पिसा हुआ रखा हुआ है तो आप ये डाल दें, नहीं तो अगर आप छोटे छोटे पीसेस जैसे कि आपने मेरे पहले देखे भी होंगे वो आप डाल दें। तो मैंने ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये डाल दिया है, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसमें गाइस जो डाल दिया है वो टमाटो, वैसे लोग नहीं डालते हैं यूजली, लेकिन भाई मैं तो डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और मैं यूजली पसंद करती हूँ, मोस्टली आप मेरी हर सब्ज़ी में या मेरे चिकन में आप टमाटो ज़रूर फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी सब्ज़ी का बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ डाले हैं टमाटो, और साथ ही साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हमारा नमक, ताकि टमाटोज जो हैं हमारे अच्छे से पक जाएँ। और ये देखिए कितना, आप लोग जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो हल्का सा कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली जो है वो भी डाल रही हूँ साथ में। अब इसमें मिक्स करके बस हम अपना जो मटन की छोटे छोटे से पीसेस हैं वो इसमें डाल देते हैं। तो गाइस सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ी देर तक इसको हम हल्का सा जो है वो भून लेते हैं, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएँ। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला, और साथ ही साथ में मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ खुशबुए, ये जो है दालचीनी और हमारी जो जावित्री होती है, वो सब जो नेचुरल्स होते हैं, ये उसी का मिक्सचर होता है। बस इसको 2-4 चम्मच चलाते हैं, और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको सीटी लगा देते हैं। तो बस गाइस यहाँ देखिए मैंने इसमें जो है वो पानी डाल दिया है अब, और पानी ये डाला है ताकि जिसमें जितना ये जो हमारा मटन है ये अच्छे से हमारा गल जाए। तो बस अब इसको हम लगा देते हैं सीटी, और ऑलमोस्ट 5-6 सीटियाँ इसको लगेंगी, उसके बाद हम इसको भुनेंगे। तो बस गाइस देखिए मेरा जो मटन स्टू है वो अच्छे से जो है भुन गया है, और इसमें मैंने जो था अभी थोड़ा सा जो है दही डाला था उसे डाल के भी मैंने भुना है, और देखिए अब ऑयल बिल्कुल जो है वो सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। बस 2-4 मिनट इसको मैं और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। और गाइस साथ ही साथ में मैंने इधर रख दी है कढ़ाई, और क्योंकि मैं कर रही हूँ चिकन को फ्राई, तो बस अब पहले चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, और अब मैं कर रही हूँ चिकन को फ्राई। तो बस यहाँ देखिए गाइस मैंने सारे लेग पीस जो हैं वो डाल दिए हैं, और फ्राई का मज़ा तो गाइस लेग पीस से ही होता है, और महत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सारे फ्राई जो लाए थे वो लेग पीस ही लाए थे। और अभी और भी है जो मैं अभी इसमें डालूँगी, और पहले हम लोग इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एक बार 2 टाइम हम इसको गाइस फ्राई करेंगे, एक बार शैलो फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और फिर हम इसको निकालेंगे। तो बस गाइस यहाँ पर जो बाकी बचे हुए पीस थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और एक फ्राई करके जो है मैंने चिकन जो है वो यहाँ निकाल लिया है, और अभी ये भी मैं थोड़े 1-2 मिनट में निकाल लूँगी, और फिर से मैं इसको जो है डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि जब तक गाइस इसको आप 2 बार करते हैं ना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक क्रिस्प आता है। तो बस आप लोग ने अभी कभी ऐसे नहीं किया तो प्लीज़ कभी भी आप बनाया करें ना फ्राई, उसको 2 बार फ्राई किया करें, पहले शैलो फ्राई कर लिया करिए और सेकंड टाइम में अच्छा सा फ्राई। तो बस गाइज़ यहाँ देखिए आप मेरा जो है चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैंने उसको जो है फॉइल पेपर के छोटे छोटे पीसेस कट करके जो है उसको जो मैंने अच्छे से जो है फोल्ड कर दिया, ताकि हाथ भी गंदे नहीं हो और अच्छे से हम पकड़ पाएँ। तो बस गाइस इसी के साथ हमारा हो गया है बिल्कुल डिनर रेडी, और इसमें जब तक थोड़ा सा चाट मसाला ना डले तब तक तो मज़ा ही नहीं है। तो बस यहाँ मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और अब गाइस इधर मेरा रोड रेडी हो गया है स्टू, और ये है मेरा है फ्राई। तो बस गाइस हम लोग जाते हैं और जल्दी से इंजॉय कर लेते हैं अपना डिनर, और फिर हम आप लोगों से जो है मिलेंगे। और साथ ही साथ में जो मैंने और पीसेस जो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, ताकि ये भी जो हैं अच्छे से और हो जाएं। तो बस गाइस इसी के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं आगे, स्टे ट्यून्ड। भी हो रहे हैं 11:30, और यहाँ पर जो है सारे कपड़े जो मैंने बाहर से उठाए हैं वो मैं सारे फोल्ड कर रही हूँ और एक तरफ रख रही हूँ। और ये है कि अभी यही टाइम होता है जो काम हो रहता है, क्योंकि सुबह में जो होता है वो ऑफिस होती है, घर का काम होता है, यही सब चीज़ें रहती हैं। और हाँ यहाँ आ गए हैं महत साहब, क्या लेके आए हो बेटे? बिग मैट। ओके तो, अच्छा आपने टी शर्ट तो ठीक कर लिए? तो बस ये देखिए ये लोग जहाँ हम लोग होते हैं ना वहाँ घूम फिर के उसी रूम में आ जाते हैं। और ये देखिए अपने एक कोई नया ही गेम निकाल लेता है, जो मेरी योगा मैट है उसको निकाल लिया है और उसको वहाँ से एक तरफ से डाल रहा है और एक तरफ से नीचे कर रहा है। तो बस गाइस मैं जल्दी से पहले जो है ये सारे कपड़े जो है फोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। जब तक गाइस चैनल को डू लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ इनको भी देख लिया ये क्या कर रहा है रात में, बैलून जो है इनके बर्थडे के जो कुछ बच गए थे अभी वो मिल गए हैं, तो ये वही बैठे बुला रहे हैं। ओहो महान, बस 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 देखना बाइस कितना बेगो के बाद छोड़ दो। चलो बाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्या बोलो, लाइक करो, अब हम करते हैं।